Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a new topic under new discipline, special education, or you can say inclusive education. So today's topic is special education, integrated education and inclusive education, their characteristics and the differences between them. Okay, and the lecture will be in bilingual mode, and do subscribe my channel to get my future and previous videos too. And the lecture is will be useful for various competitive teaching examinations as well as for your general and professional BA, BEd and MA, MEd courses. So let's start. First of all, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? हमने अभी तक हमने विशिष्ट शिक्षा को टच नहीं किया था. हम लोगों ने साइकोलॉजी पे बात की है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बात की है, एजुकेशनल थिंकर्स पे बात की है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पे बात की है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे बात की है, इनोवेशन इन एजुकेशन पे बात की, बहुत सारी बातें की, पर स्पेशल एजुकेशन को मैंने अभी तक टच नहीं किया था. तो आज स्पेशल एजुकेशन को शुरू करते हैं. स्पेशल एजुकेशन जनरली हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं. बीए में तो होगा कहीं कहीं, बीएड में, एमए, एमएड में. तो स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, ये प्रोग्रेसिविज्म का बढ़ता हुआ क्रम है, लिबरलिज्म का बढ़ता हुआ क्रम है, मानव अधिकारों के सम्मिलन का बढ़ता हुआ क्रम है. मतलब स्पेशल एजुकेशन सबसे पुराना कंसेप्ट है, फिर इंटीग्रेटेड आया और फिर इंक्लूसिव आया, इस तरह से समझेंगे, है ना. तो अक्सर इसका अंतर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, या आपको अलग अलग भी तीनों के बारे में पता होना चाहिए. तो स्पेशल एजुकेशन से शुरू करते हैं. विशिष्ट शिक्षा, है ना. विशिष्ट शिक्षा क्या है? इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज इन डिफरेंट सेटिंग्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स टू मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड इन मेनस्ट्रीम क्लासरूम्स. क्या मतलब हुआ कि वो डिफरेंटली एबल्ड, मतलब जिनकी योग्यता में कोई विभिन्नता है. देखिए, विभिन्नता का क्रम दोनों तरफ हो सकता है, अच्छाई की तरफ भी और मतलब कम अच्छे, बेहतर भी हैं और कम बेहतर हैं, बेहतर नॉर्मल से अबव एवरेज भी हैं और बिलो एवरेज भी हैं, डिफरेंटली एबल्ड में दोनों ही आएंगे. तो वो बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं और जो मेन स्ट्रीम क्लासरूम में जिनकी नीड्स फुलफिल नहीं की जा सकती हैं, उनको विशेष या विभिन्न सेटिंग में विभिन्न तरीकों से विभिन्न सेवाएं, वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रदान करना ही स्पेशल एजुकेशन है. दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैव सम स्पेशल नीड्स एंड दे नीड टू स्टडी इन अ डिफरेंट सेटिंग विद अदर चिल्ड्रन हैविंग सिमिलर नीड्स. ये कह रहे हैं कि ये जो अप्रोच है, ये जो उपागम है, वो इस मूलभूत मान्यता पे आधारित है कि वो बच्चे जिनको कोई डिसेबिलिटी है या जिनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं, उनको आवश्यकता पड़ती है कि वो डिफरेंट सेटिंग में पढ़ें या बैठें या उनकी आवश्यकताओं को वहाँ डील किया जाए उन बच्चों के संग जिनकी सिमिलर नीड्स हैं, यानी कि जो जो उनके साथ का पीयर ग्रुप भी डिफरेंटली एबल्ड हो, और उनको आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन से अलग शिक्षा दीजिए. ये स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट है. इन स्पेशल एजुकेशन दिस सर्विस एंड दिस सपोर्ट नेसेसरी फॉर वन स्टूडेंट कैन वेरी फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर स्टूडेंट, है ना. मेरी जो आवश्यकता है वो हो सकता है मेरे बगल वाले की ना हो, उसकी जो हो उसके बगल वाले की ना हो. कोई किसी को स्पीच इंपेयरमेंट हो, किसी को हियरिंग इंपेयरमेंट हो, किसी को ब्लाइंडनेस हो, पार्शियल ब्लाइंडनेस हो, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी हो, किसी को न्यूरल प्रॉब्लम हो, किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, कुछ भी हो सकता है ना. तो चूंकि जब सब इतनी प्रकार की विभिन्नताएं हैं तो सबका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा, है ना. तो जो सर्विस और सपोर्ट मुझे मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी मिले, उसको अलग मिलेगा, उसको अलग मिलेगा. मतलब कि जो स्पेशल एजुकेशन है वो इंडिविजुअल बेस्ड प्रोग्राम है, यही लिखा हुआ है. स्पेशल एजुकेशन हैज एन इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच एंड फोकसेस ऑन गिविंग स्टूडेंट्स द रिसोर्सेज दे नीड टू मेक प्रोग्रेस इन एजुकेशन. मतलब ये इंडिविजुअल बेस्ड प्रोग्राम है, हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग हैं, उस पर निर्भर है, और ये कोशिश करता है कि हम बच्चे को वो रिसोर्स दे सकें जिससे कि वो उन्नति कर सके, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बन सके, कुछ काबिल हो सके, कुछ सीख सके, है ना. इंटीग्रेटेड आता है स्पेशल एजुकेशन के बाद, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कंसेप्ट आया है. इसको कभी इसको एकीकृत शिक्षा या एकीकृत शिक्षा या समन्वित शिक्षा के नाम से जानते हैं.
तो क्या है इंटीग्रेटेड एजुकेशन? इन ब्रीफ, इन एन इंटीग्रेटेड क्लासरूम सेटिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स लर्न टुगेदर विद देयर जनरल एजुकेशन पीयर्स. देखिए अंतर हो गया स्पेशल एजुकेशन से ना. स्पेशल एजुकेशन में क्या था कि जो बच्चा है वो स्पेशल सेटिंग में वेरियस विभिन्न दूसरी तरीके की मेथोडोलॉजी के संग अपनी तरीके के समान आवश्यकता सिमिलर नीड्स वाले स्टूडेंट के संग पढ़ेगा, जनरल स्टूडेंट के संग नहीं पढ़ेगा. लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या है कि स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स लर्न टुगेदर विद देयर जनरल एजुकेशन पीयर्स, यानी कि जिनके पास जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं, वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं. However, differently abled students get enough support from special needs education, specialized teachers to adapt to the regular curriculum. तो कैसे होगा भाई, उसको दिक्कत है, वो स्लो लर्नर है, वो उसके संग कोई प्रॉब्लम है, तो वो नॉर्मल बच्चे के संग कैसे पढ़ेगा, तो उसको हम ज्यादा सपोर्ट करेंगे, है ना. ये इसके पीछे कंसेप्ट था कि हम स्पेशलाइज टीचर लगा दें उसका कुछ, कि वो करिकुलम को अडेप्ट कर सके. इस तरीके की बातें हुई. Occasionally, separate special education programs also occur within the general classrooms. कभी कभी ये भी किया जा सकता है कि general classroom में हम special education के program चला दें उनको cater करने के लिए, इनको differently abled बच्चों को. In brief, तो हम क्या कह सकते हैं सूक्ष्म रूप से sum up करके कि an integrated classroom occupies both general education and special education teachers. ये कह रहे हैं कि आप integrated कर लीजिए, integrate कर लीजिए मतलब उनको मिला लीजिए अपने में, general बच्चों के संग, normal बच्चों के संग, और special education का teacher उनको deal कर ले, लेकिन classroom एक ही हो. ये बात कही जा रही है इंटीग्रेटेड में. विद इन द सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स टेंड टू एक्वायर एज एप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स बाय पैटर्निंग आफ्टर जनरल एजुकेशन पीयर्स. वो कह रहे हैं कि क्या फायदा होगा इंटीग्रेटेड से, कि जो एज एप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स है वो जो डिसेबल्ड बच्चा है वो नॉर्मल बच्चे के संग रहेगा तो सीख जाएगा. Furthermore, an integrated classroom creates a challenging environment for students with disabilities. है ना, जिसके पास disability है उसके लिए तो कितना challenging है. आप उसको कह रहे हैं आप वही curriculum पढ़िए, बस आप उसको थोड़ा सा assist कर रहे हैं. Consequently, these students learn to be more independent. तो वो independent बनने की कोशिश करते हैं या बन जाते हैं. ये integrated education का फायदा है. Similarly, the fact that they get chance to engage in what their peers without disabilities do would have a positive influence on their self-confidence. और अगर वो काम कर पाते हैं जो एक नॉर्मल बच्चा कर रहा है तो उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है. The school system remains rigid. लेकिन यहाँ देखिए दिक्कत क्या है कि जो स्कूल सिस्टम है वो रिजिड रहता है. And as a result, very few children with disability are able to cope with the demands of such a rigid system. जब आप सिस्टम रिजिड रखेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे, लिबरल नहीं करेंगे, तो बहुत कम बच्चे हैं जो इस तरीके से नॉर्मल बच्चों के संग पढ़ पाते. तो इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन का. क्या कह रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन? Due to special education and integrated education, pupil with special need felt marginalization and exclusion. This result in the growth of inferiority complexes among them and their parents, guardians. This leads the vision of inclusive education. देखिए पहले आपने क्या कहा कि आपने कहा कि आप चूंकि नॉर्मल बच्चों के संग नहीं पढ़ सकते तो आप अलग पढ़िए, आपका स्कूल अलग है, आपका टीचर अलग है, आपका करिकुलम अलग है, आप अपने तरीके के बच्चों के साथ पढ़िए. तो ये भी कॉन्फिडेंस गिराने का काम है. फिर आपने उनको इंटीग्रेट तो किया, लेकिन आप उनको उनके लिए कितना चैलेंजिंग है कि उनके संग दिक्कत है और आप उनको नॉर्मल बच्चों के संग जिनको कोई दिक्कत नहीं एट पार पढ़ा रहे, तो भी उनके लिए चैलेंजिंग है. ये वो कोशिश करके भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, ये भी इससे भी उनका कॉन्फिडेंस बिगड़ रहा है. तो क्या करें कि विदिन द सिस्टम ऑफ, तो आया इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट. ये क्या कह रहा है कि विदिन द सिस्टम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल द स्पेशल नीड स्टूडेंट्स एज वेल एज द जनरल स्टूडेंट्स गेट इक्वल बेनिफिट्स. वो कह रहे हैं कि स्पेशल नीड के स्टूडेंट भी और जनरल स्टूडेंट भी, सबको हम इक्वल बेनिफिट देंगे, इक्वल लाभ देंगे. इंक्लूसिव एजुकेशन फोकसेस नॉट ओनली ऑन द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स बट अदर्स एज वेल. देखिए इंक्लूसिविटी की बात है, इंक्लूजन की बात है. वो कह रहा है सबको इंक्लूड करो. अभी आप ये देखिए एजुकेशन फॉर ऑल का कंसेप्ट आ गया, बाद में जब इंक्लूसिव एजुकेशन पे अलग से बात करेंगे तो आप इन डिटेल जान जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन को. कह रहे हैं सबको इंक्लूड कर लो, किसी भी तरीके का मार्जिनलाइजेशन मत करो, किसी भी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं करो, सबको एडमिशन दो, सबके हिसाब से क्लासरूम चेंज हो, स्कूल सेटिंग चेंज हो, करिकुलम चेंज हो, है ना. इस तरीके का ये ब्रॉड और प्रोग्रेसिव कंसेप्ट है. तो ये सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया. Therefore, we consider the inclusive approaches education for all. EFA कहते हैं इसको. इसलिए कह रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट
सॉरी हाँ, रात का टाइम हो गया, सभी के लिए शिक्षा का है. विद इन दिस सिस्टम द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू फिट इन टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन. ये कह रहे हैं कि इसमें स्टूडेंट नहीं फिट करेगा अपने आप को, फिट इन करेगा मेन स्ट्रीम एजुकेशन का, बल्कि द स्कूल चेंजेस टू एकोमोडेट द नीड्स ऑफ ऑल. बल्कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो सेटिंग्स हैं, जो सिस्टम है, वो अपने आप को चेंज करेगा कि बच्चा उसमें फिट हो सके. देयरफॉर इट वेलकम्स द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड स्पीड्स ऑफ स्टूडेंट्स. तो विभिन्न प्रकार की जो अधिगम की शैलियां हैं, जो स्टूडेंट है, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, कोई एडवांस्ड है, कोई गिफ्टेड है, कोई ट्रुएंट है, सबको ये एकोमोडेट करेगा. देयरफॉर इट वेलकम्स द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड स्पीड्स. इन एडिशन इट एम्प्लॉयज डिफरेंट टेक्निक्स टू केटर टू द नीड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट. कह रहे हैं कि आप भिन्न भिन्न तरीके इख्तियार कीजिए जिससे आप हर बच्चे की आवश्यकता को केटर कर सकें. फर्दर मोर इन कंपेरिजन टू स्पेशल एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूजन इज फार मोर प्रोग्रेसिव. यही बोल रही थी ना मैं, एज इट रिजेक्ट्स बैरियर्स दैट हिंडर द स्टूडेंट्स एंड इनकरेज ऑल इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन. तो बहुत प्रोग्रेसिव कंसेप्ट है, हर प्रकार के बैरियर का विरोध करता है और कहता है सब पढ़ेंगे साथ में. ओके अब हम बात करते हैं कि कैसे ये शिफ्ट आया है इंटीग्रेशन से इंक्लूजन का स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में. तो ये चार चरणों में आया है. सबसे पहला जो और सबसे पुरातन जो थीम थी वो चलती थी एक्सक्लूजन की, कि उनको एक्सक्लूड करो. जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं या स्पेशल नीड्स वाले हैं उनको एक्सक्लूड करो सोशल कॉन्टेक्स्ट से, फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, सबसे अलग अलग करो, एक्सक्लूड है ना, बाहर कर दो. और सेग्रीगेशन, इसमें क्या है, इट वॉज अंडरस्टूड दैट दे रिक्वायर्ड एंड वर लाइकली टू बी एजुकेटेड. यहाँ पे ये माना गया कि ठीक है आपको भी जरूरतें हैं, आपको भी शिक्षित होने की आवश्यकता है, बट स्टिल रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी. माना तो एक्सक्लूजन में तो मान भी नहीं रहे थे, सेग्रीगेशन में मान लिया कि ठीक है आपकी भी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आप सेपरेट रहेंगे रेस्ट ऑफ सोसाइटी से, रेस्ट जो शेष समाज है उससे आपको दूर रखा जाएगा. फिर आया इंटीग्रेशन का कंसेप्ट. ये कह रहा है कि इन दिस स्टेज द पब्लिक स्कूल्स वर रिक्वायर्ड टू क्रिएट न्यू स्पेसेस फॉर द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स सो दे कुड सोशलाइज विद द अदर नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट. इंटीग्रेशन में कह रहा है ना कि आपको जनरल पीयर के संग पढ़ना है तो आप सोशलाइज हो सकते हैं, एटलीस्ट सोशल स्किल्स सीख सकते हैं. लेकिन उससे भी बेहतर कंसेप्ट आ गया इंक्लूजन का, कि सोशल स्ट्रक्चर्स एंड सोशियो एजुकेशनल एक्शंस आर डिजाइंड फॉर द आउटसेट कंसिडरिंग द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स. जो भी बच्चा है जिसकी कोई भी प्रकार की विशिष्ट आवश्यकता है उसके हिसाब से सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें कि क्लासरूम आएगा, स्कूल आएगा, कम्युनिटी आएगी, सोशियो एजुकेशनल एक्शन, सब कुछ चेंज किया जाएगा. ठीक है, अब अंतर देखते हैं स्पेशल, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में. अगर डेफिनेशन के टर्म में देखें तो स्पेशल एजुकेशन क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट रिस्पॉन्ड्स टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आउटसाइड मेन स्ट्रीम एजुकेशन. स्पेशल में हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन से अलग पढ़ रहे हैं. इंटीग्रेटेड में क्या हो रहा है, इट इज प्रोवाइडेड विद इन द जनरल क्लासरूम वेयर द स्पेशल नीड स्टूडेंट्स लर्न अलोंग साइड देयर पीयर्स विदाउट डिसेबिलिटीज. इसमें जो है क्लासरूम एक ही हो गया और जो विशिष्ट बच्चा है वो नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ रहा है. और इंक्लूसिव में क्या हुआ, इट इज अ सिस्टम वेयर ऑल स्पेशल नीड स्टूडेंट्स एज वेल एज द जनरल स्टूडेंट्स गेट इक्वल बेनिफिट्स वेलकमिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड चेंजिंग अकॉर्डिंगली. यहाँ पे सबकी आवश्यकता की बात की जा रही है, सबकी आवश्यकता समझी जाएगी, स्कूल सिस्टम अपने आप को चेंज करेगा, डाइवर्सिटी को वेलकम किया जाएगा, विभिन्नता को वेलकम किया जाएगा. अप्रोच में जो स्पेशल एजुकेशन है वो इंडिविजुअल सेंटर्ड है, वेयर द मोड ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट इज डिजाइन्ड सेपरेटली इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ इंडिविजुअल सेंट्रिक है. लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या है, स्पेशल नीड स्टूडेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू अडैप्ट टू द जनरल करिकुलम. यहाँ माना जाता है कि जो विशिष्ट बालक है वो नॉर्मल पाठ्यक्रम के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करे. और इंक्लूसिव में क्या है, मोर सिग्निफिकेंटली द इंक्लूसिव क्लासरूम फॉलोज एन एजुकेशन फॉर ऑल अप्रोच. यहाँ तो सभी के लिए शिक्षा की बात है. और लेवल ऑफ चैलेंज, स्पेशल में कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि स्पेशल में तो बच्चा अलग ही है और अपने साथ के बच्चों के संग पढ़ रहा है, अपने साथ के डिसेबल्ड बच्चों के साथ है, तो उसको विशेष चैलेंज नहीं है. लेकिन चैलेंज कहाँ है, इंटीग्रेटेड में. इन कंपैरिजन टू स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन द इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज मोर चैलेंजिंग फॉर स्पेशल नीड स्टूडेंट्स एज इट डिमांड्स देम टू अडैप्ट टू अ जनरल करिकुलम. आप उनसे कह रहे हैं आप उनको नॉर्मल करिकुलम फॉलो करना है तो उनके लिए तो बहुत चैलेंजिंग है. ठीक है, फिर अगर हम सेटिंग की बात करें तो जो स्पेशल एजुकेशन क्या है, कैन टेक प्लेस विद इन द जनरल क्लासरूम, रिसोर्स रूम और इवन इन स्पेशलाइज्ड स्कूल. द सेटिंग डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ स्टूडेंट. जो स्टूडेंट है उसकी आवश्यकता पर निर्भर करेगा कि वो उसी क्लासरूम में पढ़ेगा कि अलग क्लासरूम में पढ़ेगा कि अलग बिल्डिंग में पढ़ेगा कि अलग स्कूल में पढ़ेगा. और इंटीग्रेटेड में तो विद इन द जनरल क्लासरूम है और इंक्लूसिव में भी विद इन द जनरल क्लासरूम है. और बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस देखिए सबसे ज्यादा किस में होगा, इन आपका इंटीग्रेटेड में होगा, क्योंकि स्पेशल में तो विद इन स्पेशल एजुकेशन हैपनिंग इनसाइड ए सेपरेट एनवायरनमेंट,
Special needs students start to adapt to a separate culture. Consequently, they may find it hard to readjust and mingle with their families, peers and communities. क्योंकि वो अपने साथ के बच्चों के साथ ही उठ रहा है, बैठ रहा है, पढ़ रहा है, सोशलाइज हो रहा है, तो नॉर्मल लोगों के संग उसको मिक्सअप होने में दिक्कत होती है. तो यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल कम है. लेकिन यहाँ जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो क्या कह रहा है, हेल्प्स टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्पेशल नीड स्टूडेंट्स एज इट गिव्स देम अ चांस टू स्टे इन द सेम क्लासरूम विद देयर लेस चैलेंज्ड पीयर्स. और यहाँ पे भी वही सेम बात है इंक्लूसिव में भी. ठीक है, फिर अगर सॉरी ये स्लाइड दो बार आ गई. हम लोग ने बात कर ली ना एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन की. और अब आएगा कंक्लूडिंग रिफ्लेक्शन कि किस तरह से हम कंक्लूड करें. द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ सेपरेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट केटर्स टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आउटसाइड द मेन स्ट्रीम एजुकेशन. यानी कि स्पेशल एजुकेशन में हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन से आउटसाइड पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में हम जनरल बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं. और जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आती है तो वो सिचुएशन और प्रोग्रेसिव हो जाती है क्योंकि यहाँ पे क्लासरूम एक्सेप्ट करता है डिफरेंट लर्निंग पैटर्न को, डाइवर्सिटी को, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को, और अपने आप को चेंज करता है, अपने आप को अडेप्ट करता है हर बच्चे की नीड के हिसाब से. तो ये इंटीग्रेशन से वन स्टेप अहेड है. यानी कि स्पेशल एजुकेशन से बेहतर इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड से बेहतर इंक्लूसिव एजुकेशन है, ऐसे समझ सकते हैं आप इन टर्म्स ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड अ न्यू टॉपिक, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, इनके बीच का अंतर समझ में आया होगा और ये क्रम भी समझ में आया होगा कि कैसे हायरार्किकल है. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. डन फ्रॉम माई साइड.